वंस अगेन वेलकम क्लास सेवेंथ। क्लास सेवेंथ आज हम करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 10 द लिटिल मैजेस्टिक गर्ल्स की एक्सरसाइज। सबसे पहले जो एक्सरसाइज में आपको मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोरी ऑफ द लिटिल मैच गर्ल इज सेट ऑन। ये जो छोटी लड़की की कहानी तैयार की गई है इसका जो प्लॉट है वो कहाँ पर तैयार किया गया है, क्या ऑप्शन है? तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है द क्रिसमस ईव, सेकंड ऑप्शन है द न्यू ईयर्स ईव, थर्ड ऑप्शन है ए लोकल कार्निवल और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सूटेबल आंसर है द क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम थी, क्रिसमस का त्यौहार था और वही इसका प्लॉट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए, ए पर सभी बच्चे टिक कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड नॉट द गर्ल हैव एनी स्लीपर्स। लड़की के पास कोई स्लीपर्स क्यों नहीं थे? फर्स्ट ऑप्शन सी गेव इट अवे, सेकंड ऑप्शन सी लॉस्ट देम, थर्ड ऑप्शन दे वर वर्न आउट एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी लॉस्ट देम। एक तो उसको पाया नहीं था और दूसरा एक बच्चा लेकर भाग गया था, तो शी लॉस्ट देम इज़ द करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द गर्ल अ पिक्चर ऑफ मिजरी। जो लड़की का यहाँ पर चरित्र दिखाया गया है बहुत ही दयनीय दिखाया गया है, ऐसा क्यों था? तो आंसर है फर्स्ट इज शी वाज कॉल्ड एंड हंग्री। ऑप्शन देख लेते हैं पहले, सी वाज कॉल्ड एंड हंग्री, और ठंड में भी थी और भूखी भी थी। सेकंड, नो वन हैड बाउट एनी मैच फ्रॉम हर, किसी ने उससे कोई मैच स्टिक जो बेचती थी, माचिस जो बेचती थी वो नहीं खरीदी थी उससे। नेक्स्ट है नो वन हैड गिवन हर एनी पैनी, किसी ने उसको कोई पैनी यानी कि रुपये या सिक्का नहीं दिया था। एंड ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी जो ऑप्शंस हैं ये सभी ऑप्शन सही हैं, तो ए बी और सी तीनों ऑप्शन सही होने से तो जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड नॉट द गर्ल डेयर टू गो होम। लड़की घर जाने का साहस क्यों नहीं कर पा रही थी? फर्स्ट ऑप्शन हर फादर वुड हैव बीटन हर, उसके फादर उसकी पिटाई करते। इट वॉज इक्वली कोल्ड एट होम, जितना सर्दी बाहर थी उतनी ही सर्दी घर पर भी थी क्योंकि केवल छत के अलावा वहाँ पर चार दीवारी नहीं थी। सी हैड नॉट सोल्ड एनी मैचेस, कोई मैचेस उसने नहीं उस दिन बेची थी। एंड ऑल ऑफ दीज लास्ट ऑप्शन। तो जो फर्स्ट थ्री ऑप्शंस हैं ये सभी सही हैं, उसके फादर उसकी पिटाई करते, घर जितनी सर्दी घर पर लगती थी उतनी सर्दी उसको बाहर भी लगना था, एंड उसने कोई भी मैच स्टिक्स नहीं बेचा था। तो ए बी और सी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हम इसका भी लास्ट ऑप्शन जो डी है ऑल ऑफ दीज के ये सभी ऑप्शन सही हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गर्ल कैप्ट ऑन बर्निंग द मैचेस बिकॉज। लड़की जारी रखती है माचिस को जलाना, एक मैच स्टिक बुझ जाती है तो दूसरा मैच स्टिक जलाती है, ऐसा क्यों करती है, क्यों? इट कैप्ट हर वार्म, इससे उसको थोड़ा राहत मिल रही थी, गर्मी मिल रही थी। सेकंड, इट शोड हर ब्यूटीफुल थिंग्स, जैसे वो मैच स्टिक जलाती थी उसको सुंदर चीज़ें दिखाई देती थी, अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही थी। थर्ड, सी वॉज बोर्ड, वो बोर हो रही थी इसलिए वो ऐसा कर रही थी। एंड लास्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो यहाँ जो ऑप्शन आपके ए एंड बी हैं, इट कैप्ट हर आर्म, ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि उससे उसको थोड़ा गर्मी वार्म फील हो रहा था, गर्म फील हो रहा था सर्दी की रात में। एंड इट शोड हर ब्यूटीफुल थिंग्स, जैसे जैसे वो मैच स्टिक जलाती जा रही थी उसको कुछ सुंदर चीज़ें दिखाई दे रही थी, अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही थी जो उसके उसको वार्म रखने में हेल्पफुल थी। तो इसके जो ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी ये करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इसका सही नहीं है, शी वॉज बोर्ड, बोर्ड नहीं थी वो। लास्ट है द गर्ल डाइड बिकॉज, लड़की की अंत में मृत्यु हो जाती है क्यों? ए स्टार फेल फ्रॉम द स्काई, आकाश से एक तारा टूटता है इसलिए। हर ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू टेक हर अलोंग, उसकी दादी माँ उसको अपने साथ ले जाना चाहती थी। ऑफ द कोल्ड, सर्दी के कारण। गॉड वॉन्टेड टू एंड हर पेन, ईश्वर चाहते थे कि उसके जो दुख हैं, उसके जो कष्ट हैं, उसकी जो पीड़ाएँ हैं उनका अंत हो जाना चाहिए। तो लड़की की जो डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, उसका एक रीज़न था ऑफ द कोल्ड, सर्दी के कारण।
तो ये इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब बेटे हम बात करते हैं, क्वेश्चंस की बात कर रहे थे बेटे। क्वेश्चंस हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द गर्ल, लड़की की स्थिति कैसी बताई गई है यहाँ पर। तो जो लड़की की स्थिति बताई गई है, ध्यान से सुनना क्वेश्चंस को एंड आंसर्स को। द पुअर लिटिल गर्ल विद बेयर हेड एंड नेकड फीट, जो गरीब बेचारी लड़की थी उसके सिर पर कुछ नहीं था, कैप या हैट वगैरह, एंड नेकड फीट, और पैर भी उसके बिल्कुल नंगे थे, यानी पैरों में भी उसके स्लीपर्स नहीं थे। रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट, और गलियों में वो ऐसे ही भटक रही थी। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड सी लॉस हर स्लीपर्स, किस प्रकार से उसने अपने स्लीपर्स को खो दिया। आंसर इज, वन ऑफ द स्लीपर्स सी कुड नॉट फाइंड एंड ए बॉय सीज्ड द अदर्स एंड रन अवे विद इट। एक स्लीपर्स तो उसको मिल नहीं रहा था और जो दूसरा स्लीपर्स था उसको एक बच्चा लेकर भाग जाता है, ये कहते हुए दैट ही कुड यूज इट एज ए क्रेडल, कि वो उसका इस्तेमाल कर लेगा, वो इसका यूज कर लेगा एज ए क्रेडल, एक क्रेडल के रूप में। वैन ही हैड चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन, जब उसके अपने खुद के बच्चे होंगे। तो इस प्रकार से लड़की ने अपने जो स्लीपर्स से उनको खो दिया था। Why did she not dare to go home? उसमें घर जाने का साहस क्यों नहीं था, घर जाने की हिम्मत उसमें क्यों नहीं थी। तो आंसर इज, she did not dare to go home because she had sold no matches. उसमें घर जाने की हिम्मत साहस इसलिए नहीं था क्योंकि उसने उस दिन कोई भी matches नहीं बेचा था। Her father would certainly beat her. और अगर वो ऐसे ही घर पर चली जाती है without any penny, her father certainly beat her. निश्चित रूप से उसकी पिटाई करते। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द फर्स्ट मैच हेल्प हर, जैसे ही शी स्टक फर्स्ट मैच स्टिक्स, व्हाट हैपेंड देन। तो आंसर इज, द फर्स्ट मैच गेव हर ए वार्म ब्राइट लाइट, जैसे उसने फर्स्ट मैच को जलाया उससे उसको थोड़ा वार्म हुई, हीट मिला, ब्राइट लाइट, और प्रकाश वहाँ पर हो जाता है चमकदार, लाइक ए लिटिल कैंडल, जैसे एक छोटी कैंडल को जला दिया जाए। एस सी हेल्ड हर हैंड ओवर इट, और जैसे ही वो अपने मैच स्टिक को जलाकर उसके ऊपर को हाथ करती है तो थोड़ा उसको वार्म होने में भी हेल्प मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड द सेकेंड एंड द थर्ड मैच स्टिक टेक हर, जो सेकेंड और थर्ड मैच स्टिक उसके द्वारा जलाया गया छोटी लड़की के द्वारा, तो वो उसको कहाँ पर लेकर चले जाते हैं। आंसर इज, शी एज सी रब्ड सेकेंड मैच स्टिक, जैसे ही वो दूसरा मैच स्टिक्स जलाती है, इट ब्रस्ट इन टू ए फ्लेम, वो बहुत तेजी से प्रकाश के साथ जलता है, एंड सी कुड सी इन टू द रूम अ टेबल क्लॉथ ऑन विच स्टूड ए रोस्ट गूज स्टफ्ड विद एप्पल्स एंड ड्राइड प्लम्स। जो जैसे ही वो फर्स्ट सेकेंड मैच स्टिक जलाती है तो वो तुरंत उसको एक ऐसे रूम के टेबल पे ले जाता है जहाँ पर एक कैंडल जला हुआ था, रोस्ट गूजेज भुना हुआ गूज भी वहाँ पर रखा हुआ था, एप्पल्स रखे हुए थे एंड ड्राइड प्लम्स वहाँ पर उस टेबल पर रखे हुए थे। तुरंत उनको ये सब चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती हैं, और जैसे ये पुट आउट हो जाता है सेकंड मैच स्टिक, सी लाइटेड थर्ड मैच स्टिक विच टुक हर टू ए ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री, जैसे वो जलाते हैं तो वो एक सुंदर क्रिसमस ट्री उसको दिखाई देता है। तो बेटे क्वेश्चन 1-5, केवल 5 ही क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, इनकी पिक मैं आपको भेज दूंगा वीडियो के साथ साथ, तो ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में कर लेना है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको जो वर्ड्स मीनिंग्स आपकी बुक में दिए गए हैं ये अपनी नोटबुक में करना है, और मिनिमम 50 हार्ड वर्ड्स भी आपको यहाँ से फाइंड आउट करके अपनी नोटबुक में कर लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर का जो पोर्शन ये था आपका इसकी बुक में, ये कम्प्लीट हो जाता है। ग्रामेटिकल वर्क बचता है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग कैन, कुड, मे और माइट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना वर्क सभी बच्चे कंप्लीट रखेंगे, किसी बच्चे का राइटिंग वर्क अधूरा ना हो। जैसे जैसे आपको राइटिंग वर्क मिलता जा रहा है ऐसे ऐसे आप अपनी नोटबुक में उसको करते रहेंगे अगले आने वाले यूनिट थर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि यूनिट थर्ड का जो एग्ज़ाम्स होगा, जो हमारा न्यू अब हम करंट में इसको कर रहे हैं, उसी पर बेस्ड होगा। Okay, and bye.